हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वीपीएस ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा गांव के जीवन पे। दोस्तों अभी अधिकांश लोग शहर में रहते हैं और वो गांव के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आज हम ब्लॉग लेके आए हैं आपके लिए कि गांव का जीवन कैसा होता है, गांव के लोग कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं और क्या क्या होता है गांव में, वो सारी बातें आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं ये प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये सब गांव का ही नज़ारा है। ये सब गांव का नज़ारा, उधर गाय दिख रही होगी आपको और ये रोड है। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि गांव में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, और सारी बातें मैं आगे वीडियो में बताते रहूँगा, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो जैसा कि ये गाय है और ये गोबर है जो कि बाहर में खाद बनता है, और यहाँ पे ऐसे ही लोग खेतों में डाल के अनाज उपजाते हैं। गांव में आप तीन घर में से दो घर गाय जरूर देखेंगे, ये भी गाय ही है। देखिए सुबह सुबह ये लोग अपने जगह पे हैं, ये इन लोग की खाने की नाद होता है नाद। देखिए फिर गाय, मैंने बोला ना कि गांव में आप सबके घर गाय जरूर देखिएगा। ये सरसों है जो कि पेड़ के तेल बनाया जाता है, जिसका सरसों करू तेल होता है, वही सरसों है। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और मैं आपको आगे दिखाता चलता हूँ। ये सारा खेत है दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारा गांव का खेत है। और इधर आप लोग देख रहे हैं पेड़ पौधे हैं, बगीचे टाइप का, ये आप लोग देख रहे हैं सारा चीज खेत का, सारा दृश्य खेत का है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये आम का पेड़ है, इस पे अब आम फरेंगे, जैसे कि मोजर लग चुका है। ये सारा खेत है, गांव में खेत की कमी नहीं है, गांव में आप आएंगे तो ज्यादातर खेत ही देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है गांव का जीवन आपको देख के? अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे देखिए कितने सारे चिड़िए बोल रहे हैं, चहचहा रही हैं, और ये कितना अच्छा लगता है सुन के, वो आप गांव में आइएगा तभी फील होगा। ये देखिए खेत में इतना सुहाना लग रहा है ना दोस्तों, अगर आप गांव में आइएगा तो ये सुबह में घूम के जरूर देखिएगा कि गाँव का नज़ारा कैसा होता है। और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये हम लोग के गांव का स्कूल है जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये हम लोग के गांव का स्कूल है दोस्तों, सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना वही है। इस ये 5 क्लास तक ही है, और इसमें ये बहुत पुराना स्कूल है, ये 1932 सन में बना हुआ था, और ये अभी तक देखिए स्कूल चलता है। देखिए दोस्तों आम का मोजर कैसा होता है, देखिए ये आम का मोजर है और इसी से बड़ा आम होगा। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा आम इसी से होता है, ऐसे ही बढ़ता है। ये देखिए गाय को दुहा जा रहा है, दूध निकाला जा रहा है। दोस्तों गांव में ऐसे ही दूध निकाला जाता है, बाहर में तो मशीनों से निकाला जाता है, लेकिन गांव में हाथ से ही दूध को दुहा जाता है। तो गाइस जैसा कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के पोखरा पे, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं यहाँ पे छठ पूजा भी होता है, जो कि अभी आने वाला है छठ पूजा, दो तीन दिन बाद छठ पूजा है और यहाँ पे छठ पूजा होता है। और ये गांव का सामुदायिक भवन है, जो कि कोई मतलब कार्य काम होता है गाँव का या शादी विवाह, उसमें आके लोग ठहरते। अभी तो गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि अभी कुछ इसमें हुआ नहीं है, और ये पूरा ये ऐसा ही है। और देखिए पीछे भी छठ पूजा के लिए बना हुआ है, यहाँ पे छठ पूजा होता है। और ये देखिए हम लोग के गांव का पोखरा, वहां से सीढ़ी है पोखरा में उतरने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके अभी। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं नीचे उतरा हुआ हूँ और इससे नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, और अगर गिर जाऊंगा तो यहीं पे डूब जाऊंगा, सारा चीज बेकार हो जाएगा, फोन वोन सब भीग जाएगा और मैं भी चला जाऊंगा। तो मैं अब नीचे नहीं जाता हूँ और ऊपर आ गया। और ये आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा पोखरा है, साफ भी रहता है दोस्तों, मजा आता है गर्मी में नहाने में।
और मैं बाकी का गांव आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूंगा। अभी तो सुबह का टाइम है तो आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन फिर मैं आगे दिन में आके मैं दिखाऊंगा कि बाकी का गांव कैसे, गांव में लोग रहता है कैसा, घर होता है क्या होता है, और अपना गांव का बाजार दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अप्रैल का महीना है और इसमें कूहा कितना ज़्यादा है। देखिए आप, कूहा कितना ज़्यादा निकला हुआ है और कितना ज़्यादा कूहा गिर रहा है अभी, कि वहाँ तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ वहीं तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि पूरा वाइट वाइट हो चुका है। अप्रैल के महीने में इतना कूहा नहीं गिरता है, अभी देखिए आप कितना ज़्यादा कूहा गिर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा खेत का सीन है और मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही है, वही दिखाने ट्रैक्टर से खेत को कोरा जा रहा है, जैसे मतलब खुदाई मतलब इसे कोर के अब बोया जाता है। पहले कुदारी से कोरा जाता था और बैल का सहारा लिया जाता था खेत जोतने के लिए, लेकिन अब ट्रैक्टर से खेत का जोता जाता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, ये गेहूं का खेत है, आप लोग देख रहे हैं, ये गेहूं का खेत है और इसी से गेहूं निकलता है कंबाइन करने के बाद, कंबाइन में डाल के उसके बाद मतलब थ्रेसर में डाल के कूटा जाता है, उसके बाद गेहूं इसमें से निकलता है, थ्रेसिंग किया जाता है, उसके बाद गेहूं निकलता है। ये देखिए, ये सारा गेहूं का खेत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सारा खेत ही खेत है इधर, और अभी ये कम है। अगर मैं चावड़ा में चले जाऊँ तो वहाँ पे सिर्फ खेती खेत है, वहाँ पे सिर्फ खेती होता है, वहाँ पे गाछ वृक्ष भी कुछ नहीं है और सिर्फ खेत ही है। दोस्तों, गांव में खेत का होना बहुत ही आसान बात है, बहुत ही मतलब इसको क्या बोले, बहुत ही मतलब ये होना ही होना है, गाँव है तो खेत होगा ही। शहर में इतना ज़मीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट गांव में आप लोग देख रहे हैं कि कितना सारा ज़मीन खाली पड़ा है और खेती होता है, खेती से अगर खेती नहीं होगा तो कोई नहीं खा पाएगा, इसलिए गांव के किसान तो सब इज्जत करते हैं और गांव के किसान मेहनती होते हैं, या किसान को ही लोग इज्जत करते हैं गांव या शहर के। ये लीची का पेड़ है, आप लोग देख रहे हैं, और अभी देखिए कि ये कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें अब फल का मोजर के बाद अब फल आ चुका है, जो कि अभी छोटा छोटा है और इसके बाद फल बड़ा होगा और वो लीची लोग खाता है, एक महीने में ये फल खाने योग्य हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये विचाली कॉल है और इससे जानवरों के खाने के लिए चारा काटा जाता है जिसे वो खाते हैं। ये बेड़ी है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं वो खोप है, जो कि अभी एल्युमिनियम का है, पहले लोग इसी का खोप नहीं लगाते, और इसमें अंदर भूसा रखा जाता है जिससे वो सड़ता नहीं है पानी में भी। देखिए कितना अच्छा है अभी भी, ये बेड़ी है, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग आपको गांव का खेत और घर दिखाते हैं, बगीचा दिखाते हैं आगे वीडियो में। ये सब गांव में घर है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आम के बगीचे में जाके आपको आम का पेड़ दिखाते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे आम का पेड़ है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं आम के बगीचे में, और ये देख रहे हैं आप कितना छोटा छोटा पेड़ है और ये कितना फरा हुआ है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, अभी छोटा छोटा है और ये कितना ज़्यादा फरा हुआ है, इसमें बहुत सारे पेड़ है, और आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना मतलब बेस्ट, और नीचे खेती भी हो जाता है इसमें, ये छोटा छोटा ही पेड़ देखिए आप कितना ज़्यादा फरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सोहनी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे सोहनी कर रहे हैं,
और देखिए ये कितना अच्छा खेत है, इसमें सोहनी कर रहे हैं और ये कितने अच्छे हंस रहे हैं। ये गांव का पानी टंकी है नल जल योजना का, और ये ऊपर महुआ का गाछ है जो कि अभी बिना जा रहा है, गिरा हुआ है, तो आप लोग देख रहे हैं। ये जो महुआ है इससे दवाई बनता है, शराब बनता है और भी खाने के भी चीज बनते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। देखिएगा इस गांव में ऐसे ही चूल्हा पे खाना बनता है, ये आप लोग देख रहे हैं, पूरा खाना ऐसे ही गांव में बनता है। ये देखिए गांव का इनार को ये कैसा होता है, हम आपको दिखाते हैं। गांव में पहले इनार ही लोग यूज करते हैं, अब तो बहुत कम लोग इनार यूज करते हैं। इसमें पानी भी अभी है लेकिन गंदा हो चुका है क्योंकि अब इनार का यूज नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। ये गांव का कब्रिस्तान है जो कि आप लोग देख रहे हैं, पूरा सीन कब्रिस्तान का है। ये देखिए नारियल का पेड़ है, आप लोग ऊपर देख रहे हैं कि नारियल फरा हुआ भी है, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। अब हम लोग जा रहे हैं काली माता मंदिर के पास, जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि हम काली माता मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये गांव की काली माँ का मंदिर, यहाँ पे अभी पूजा चल रहा है नवरात्रि। ये काली माँ का मंदिर है, ये दुर्गा माँ का मूर्ति है और यहाँ पे हर एक दिन पूजा होता है। अभी नवरात्रि चल रहा है तो यहाँ पे पूरा सजा हुआ है ऊपर, जो कि रात में दिखता है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है माता, और उधर आप लोग देख रहे हैं कि जौ को रोपा गया है, कलश स्थापना हुआ है अभी नवरात्रि में। ये गांव का काली माँ का मंदिर है जो कि आप लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए घोड़ा है और आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसे खा रहा है। ये देखिए घोड़ा को और ये देखिए कि कैसे खा रहा है। ये देखिए गांव में इसको पेठारी कहा जाता है, पुअरा है, आप लोग देख रहे हैं कि ये पुअरा है, ये खोप है बेड़ी के ऊपर का, और ये देखिए पुअरा। ये देखिए भैंस है, आपको आगे दिख रहा होगा, और ये गाय है और भैंस आगे है, आप लोग देख रहे हैं। तो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हम अब जा रहे हैं गांव के बाजार को आपको दिखाने, और हम आपको गांव का बाजार दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो गाइज अब हम गांव के बाजार पे पहुंच चुके हैं, आगे रोड पे हम पहुंच चुके हैं और गांव का बाजार यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अमित ट्रेडर्स दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ है वो अमित ट्रेडर्स है, यहाँ पे गिट्टी सीमेंट बालू छड़ मिलता है। उसके आगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान मिलेगा, और उसके आगे जनरल स्टोर है, और उसके आगे फिर एक मेडिकल शॉप है। दोस्तों हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान, अभी उसके बाद जनरल स्टोर है और फिर एक जनरल स्टोर है, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं जैसे कि। और आगे जो कार लगा है वहीं पे एक मेडिकल स्टोर है जिसका नाम है बजरंग मेडिकल स्टोर, वहां पे आदमी का भी दवाई मिलता है और
जानवर का भी दवाई मिलता है, ये आप लोग आगे देख रहे हैं। उसके बगल साइबर कैफे है और उसके आगे हनुमान जी का मंदिर है हमारे गांव का, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये हमारे गांव का हनुमान जी का मंदिर है। इधर सब्जी का दुकान है और ये हमारे गांव का हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों। ये मंदिर बहुत पुराना है। और इसके बाद साइकिल की दुकान है और आगे फिर सब्जी का दुकान है। इधर चौमिन का दुकान है और उसके बाद सतुई का ठेला लगा हुआ है और उसके बाद एक गुमटी है। फिर समोसा का चाय का दुकान आगे वहाँ पे आपको दिख रहा होगा आगे है। और उसके बाद इस मोड़ पे आपको इस मोड़ के इस बाजार पे आपको ये देखिए, ये सारा गेहूं का खेत है और उधर आप लोग देख रहे हैं सामने वो आम का बगीचा है सारा, उसके बाद लीची का बगीचा है। देखिए ये सारा गेहूं का खेत है और आगे आप देख रहे हैं कितना बड़ा पीपल का पेड़ है, कितना बड़ा ये पेड़ है। और आप लोग देखकर सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना पेड़ हो चुका होगा। ये देखिए आगे भैंस पे बैठ के सवारी कर रहे हैं लोग। आप लोग भैंस देखे हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। ये भैंस है और इस पे बैठा हुआ है, देखिए आप आगे वीडियो में देखिए, ये भैंस है और उस पे बैठा हुआ है। ये देखिएगा ये बकरी है, बकरी का बच्चा है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने इसे पहले देखा था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से ब्लॉग स्टार्ट किए थे वहीं पे, और आज का ब्लॉग इतना ही था। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। दोस्तों आपका अपना भाई इतना मेहनत करता है आप लोग के लिए, ये सारा व्यू दिखाने के लिए कि गांव का नज़ारा दिखाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया दोस्तों। मतलब क्या आपसे बताऊँ कि कितना मेहनत लगाए एक वीडियो बनाने में। और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक कर भी देंगे और कमेंट में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आपका अपना छोटा भाई इतना मेहनत कर रहा है, उसको आप ऊपर बढ़ाइए और हमको सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन पे जाकर ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक। तो आप कमेंट में बताइए कि ये प्यारा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं।